हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उदय एक्सरे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एल्बो जॉइंट का एक्सरे में फाइंडिंग देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे मीडियल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर और रेडियल हेड एंड रेडियल नेक का फ्रैक्चर। तो आज की इस वीडियो में यही हम ये देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आ जाइए कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये जो आप देख रहे हैं ये है एल्बो जॉइंट का एपी व्यू और ये है एल्बो जॉइंट का लेटरल व्यू। दोनों एल्बो जॉइंट के बेसिक व्यू हैं, ठीक है। तो इस एक्सरे में हमें फाइंडिंग देखना है कि क्या बोनी एबनॉर्मिटी है या डिसलोकेशन है, यह देखना है, ठीक है। तो एल्बो जॉइंट का एक्सरे रीड कर रहे हैं हम। तो देखिए दोस्तों, ये जो है राइट एल्बो का एक्सरे है जिसे हम रीड कर रहे हैं, है ना। अब थोड़ा सा मैं इसमें नॉर्मल एनाटॉमी बता देता हूँ मोटा मोटी, ठीक है। आपको इसकी फुल एनाटॉमी देखने के लिए आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी एल्बो जॉइंट की एक्सरे एंड नॉर्मल एनाटॉमी देखने के लिए, आप जाकर देख सकते हैं, तभी आप एक्सरे को डायग्नोस या क्या फाइंडिंग्स है ये आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यह है ह्यूमरस बोन है, ये लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना मिलकर एल्बो जॉइंट बनता है, ठीक है। तो ये एल्बो जॉइंट है और ये इसका एल्बो जॉइंट का लेटरल व्यू है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है, जो कि एक एबनॉर्मल एक्सरे है। कहाँ फ्रैक्चर है मैं आपको दिखाऊंगा। ये लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्ना, ठीक है। तो ये तीनों बोन मिलकर एल्बो जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्ना एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको प्रथम दृष्टिया में एक फ्रैक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा ह्यूमरस में। यहाँ से ह्यूमरस शुरू करते हैं, तो ह्यूमरस का ये हिस्सा कहलाता है मीडियल एपिकोंडाइल कहलाता है और ये वाला हिस्सा कहलाता है लेटरल एपिकोंडाइल। और ये जो राउंड राउंड शेप आप पिक्चर देख रहे हैं ये है कैप्टुलम कहलाता है, ठीक है। और ये जो है ये ओलेकर्नन प्रोसेस है, अल्ना का पार्ट है ये, अल्ना बोन का, ठीक है। और यहाँ पे रेडियो ह्यूमरल जॉइंट बनता है, ये जो है रेडियो ह्यूमरल जॉइंट है और ये अल्ना ह्यूमरल जॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है मीडियल एपिकोंडाइल है जो कि आपको फ्रैक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये इसकी कम्युनिकेट टाइप फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है। और दूसरा फ्रैक्चर हमें दिखाई दे रहा है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस में, ये रेडियस बोन है, रेडियस बोन का प्रॉक्सिमल एंड है, जिसे रेडियल हेड कहा जाता है इस पार्ट को जहाँ से फ्रैक्चर है। और ये जस्ट उसके जो नीचे है इसे नेक ऑफ रेडियस कहा जाता है। तो ये नेक ऑफ रेडियस से फ्रैक्चर है, ठीक है। तो ये हमने एपीयू में देख लिया फाइंडिंग, अब हम लेटरल में देख लेते हैं, ठीक है। लेटरल में आपको एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर आपको दिखाई नहीं देख रहा है क्योंकि ये ओवरलैप होने की वजह से मिडिल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको प्रॉक्सिमल रेडियस का जो फ्रैक्चर है नेक ऑफ रेडियस का, ये आपको फ्रैक्चर यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये इसका ओलेकर्नन प्रोसेस है अल्ना बोन का, ठीक है। और ये जो ग्राउंड शेप है ये है कैप्टुलम बोलते हैं। तो इस टाइप से आपको एल्बो जॉइंट में फाइंडिंग देखनी होती है और मीडियल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर स्टेप्स दिखाई देगा और रेडियल हेड या नेक का फ्रैक्चर आपको स्टेप्स दिखाई देगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।